भानपुरा मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर वन ग्राम पिपलझोपा के राजमली के सैकड़ों ग्रामीण जन जोखिम में डालकर कुंदा नदी पार कर रहे हैं। बारिश के दिनों में यहां ग्रामीणों को और भी ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़ती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण अपनी जान को खतरे में डालकर कुंदा नदी पार कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार आवागमन के लिए गांव-गांव सड़क और पुल पुलिया बनाकर जोड़ रही है, तो क्षेत्र में आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो अच्छी सड़क और पुल पुलियाओं से वंचित है। इन्हीं में से राजमली, निमगाटी, वीडिया आदि गाँव शामिल है। ग्रामीण संतोष मेहता द्वारा यह बताया गया है कि इन ग्रामों के सैकड़ों परिवारों को बारिश के मौसम में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में भी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुंदा नदी में बाढ़ आने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यदि ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश होने से आवागमन भी कई दिनों के लिए बंद हो जाता है। वहीं कुंदा नदी पर पुल निर्माण को लेकर कई बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ के ग्रामीणों ने सरकार से पुल निर्माण की मांग की है। हमारा कैसे भी जाने का रास्ता नहीं, चारों तरफ पानी 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 है। अब हमारा मेन रोड यही से निकल के जाना पड़ता। शिक्षा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, आज की कंडीशन में हमारे गांव से 20 से 25 बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी पानी की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी शिक्षा का नुकसान हो रहा है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए अभी कुछ दिनों की बात है, मतलब 4-5 दिनों की बात है, खुद मेरी बहन जो कि डिलीवरी थी, रात को 11-12 बजे हम यहाँ से रात में निकाल के ले गए। तो इस प्रकार की हमारी समस्याएं चल रही है, फिर भी हमारी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई ईश्वर ध्यान दे और हमारी जो समस्या है उसका हल। भगवानपुरा से प्रदीप महाजन की रिपोर्ट।